दोस्तों, कोरोना ने आज पूरी दुनिया को इस तरह से जकड़ा है कि पूरी दुनिया कोरोना के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गई है। अमेरिका जैसी सुपर पावर्स ने भी इसके सामने घुटने टेक दिए हैं और लगभग पूरी दुनिया के नागरिकों को अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, कोरोना का अभी कोई एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आया नहीं है। दुनिया की अलग अलग रिसर्च एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज इस पर अपना जांचें कर रही हैं, ट्रायल्स कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी को सफलता हासिल नहीं हुई है। भारत भी इस रेस में बहुत आगे हैं, वैक्सीन बनाने की रेस में। देखते हैं दोस्तों, कौन पहुंचता है। अमेरिका में कोरोना ने 68,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है और पूरी दुनिया में लगभग 35 लाख के समथिंग केसेस हो चुके हैं। 193 देश कोरोना से फिलहाल प्रभावित हैं। हर किसी के मन में एक ही विचार चल रहा है दोस्तों कि आखिर कोरोना काल का अंत कब तक होगा। दोस्तों, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था फिलहाल इस तरह से चरमरा उठी है। अमेरिका जैसे सुपर पावर ने भी घोषणा कर दी है कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। फिलहाल अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए रिलीफ फंड जारी किए हैं। दोस्तों, इंडिया में कोरोना काल का आखिर अंत कब तक होगा? तो इंडिया में इसका 22 मई को कोरोना का अंत बताया जा रहा है, जो कि एक सिंगापुर यूनिवर्सिटी के अनुसार बताया गया है। अमेरिका में 12 मई को बताया गया है, फ्रांस में 6 मई को बताया गया है, ब्रिटेन में 16 मई को बताया गया है। लेकिन देखते हैं दुनिया दोस्तों, ये रिसर्च सफल साबित होती है नहीं।